हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको केएफएफ का वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक अपने मिड ट्वेंटीज में है और वो लाइफ को एक अलग अंदाज से देखता है। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और हैंडसम भी है। तो उसके साथ साथ उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब भी मिल चुका है और वो वही जॉब कर रहा है। एक दिन जब जोंगकुक अपना काम खत्म कर घर लौट ही रहा था कि कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप कर ले जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही जोंगकुक की आंख खुलती है तो वो एक बड़े से घर में एक चेयर पर बैठकर बंधा हुआ खुद को पाता है। उसके आसपास बहुत सारे लोग बंदूक लेकर खड़े होते हैं, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और जोर जोर से चीखते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना ही मैंने किसी के साथ बुरा किया है, तो तुम लोग मुझे यहाँ पर लाए क्यों हो? उसके बाद ही एक आदमी जोंगकुक की ओर बढ़ता है और जोंगकुक को एक खींच कर तमाचा लगाता है और फिर कहने लगता है, ये सब तुम्हारे बाप के वजह से हो रहा है। हम लोग तुम्हें यहाँ पर लाए हैं तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया है। इसके बाद ही जोंगकुक बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, लेकिन मेरे पापा तो यहाँ रहते ही नहीं है, मेरे पापा तो बुसान में रहते हैं और उनका छोटा सा बिजनेस है, तुम लोग को शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। इतना कहते ही उनका हेड गार्ड आ जाता है और सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसका पूरा प्रोफाइल निकाल कर लाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद उनका बॉस आ जाता है और कहने लगता है, क्या हो रहा है ये सब? क्या ये वो नहीं है? मुझे नहीं लगता ये वो है जो हमें चाहिए था। इसके बाद ही उनका हेड गार्ड कहने लगता है, सर सॉरी, हमसे कुछ गलती हो गई है, ये वो नहीं है जिसे हमें उठाकर लाना चाहिए था, ये कोई और ही है। तो सर, इसके बाद हमें क्या ऑर्डर्स है? क्या हम इसे मार दें? इसके बाद ही उनका बॉस कहने लगता है, नहीं, हम ऐसे ही किसी का जान नहीं ले सकते, इसे तब तक यहाँ पर रहना चाहिए जब तक हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता। हमारा काम ख़त्म होने के लिए एक महीना तो लग ही जाएगा, एक महीना तक इसे यहाँ पर ही रहने दो और उसके बाद इसे छोड़ देना। उतना कहते ही जोंगकुक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम्हारी मर्जी है क्या? एक महीने तक मैं यहाँ पर क्यों रुकूँगा? और वैसे भी मुझे भी काम है, मैं भी एक आम इंसान हूँ, तो मेरा काम का क्या? हाँ, और मेरे फ़ोन भी तुमने ले लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरा फ़ोन ना मेरा लैपटॉप, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या? हाँ, मुझे यहाँ से जल्दी से जाने दो प्लीज़। ये सुनते ही उनका बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जोंगकुक के फेस के पास आकर कहने लगता है, तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वरना तुम मेरे सामने ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं करते। इसके बाद ही जोंगकुक भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम कौन हो? हाँ, भगवान तो नहीं हो सकते? इसके बाद ही उनका बॉस कहने लगता है, भगवान तो फिर भी तुम्हें माफ़ कर देते, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अगर तुमने फिर से ये सब करने की कोशिश करी और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी तो तुम सीधे भगवान के पास ही चले जाओगे। और ये कहकर उनका बॉस वहाँ से चला जाता है। उनका बॉस जाते जाते मुड़ता है और फिर कहने लगता है, इसके हाथ पैर खोल दो और इसे गेस्ट रूम में लेकर बंद कर दो। इसके बाद ही सारे गार्ड्स चले जाते हैं और उसके हाथ पैर खोल देते हैं और जोंगकुक को गेस्ट रूम में लॉक कर देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही उनका एक सेफ जाता है और गेस्ट रूम का लॉक खोलने के बाद कहने लगता है, ये कुछ खाना सर ने आपके लिए भेजा है, आप खा लीजिए। तो जोंगकुक कहने लगता है, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जोंगकुक दिन भर कुछ भी नहीं खाता। जब उनका बॉस लौट कर आता है और कहने लगता है, तो वो क्या कर रहा है? तो उसके बाद ही उसके गार्ड्स कहने लगते हैं, पता नहीं वो खुद को क्या समझ रहा है सर, वो खाना नहीं खा रहा है और खाना खाने के लिए मना कर रहा है, इवन वो पानी भी नहीं पी रहा है। इसके बाद ही उनका बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और खुद ही रूम में जाकर देखने लगता है। जैसे ही वो रूम में एंटर होता है, वो देखता है जोंगकुक सो रहा है। वो जाता है जोंगकुक के पास और जोंगकुक के पास बैठ कर कहने लगता है, तुम क्यों खा नहीं रहे हो? हाँ, तुम्हें मरना है क्या? इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, क्या पता तुमने इसमें भी जहर मिलाया हो, मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ? इसके बाद ही उनका बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है, इस पे जहर है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जहर दे के मारूंगा? अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें पहले ही शूट कर देता। और वैसे भी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम ना खाकर ऐसे भूखे रहकर मरना चाहते हो तो तुम मर सकते हो। ये कहकर उनका बॉस वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक उठता है और वो खाना खाने लगता है। वो सोचता है कि अगर मरना है तो मैं कैसे भी मरूंगा और इससे अच्छा है कि मैं भूख से ना मरूं। और ये सोचकर जोंगकुक खाना खाने लगता है। दूर से ही माफिया बॉस उसे देखकर खुश हो रहा होता है और ये देखकर कहने लगता है, क्या पागल इंसान को ये लोग उठाकर ले आए हैं। ये कहकर माफिया बॉस वहां से चला जाता है।
दो दिन बाद वो देखता है कि सुबह सुबह जोंको गार्डन में गार्डनिंग कर रहा है। माफिया बॉस अपने हेड बॉडीगार्ड से पूछता है, इसे गार्डनिंग करने के लिए किसने परमिशन दिया है, ये क्यों गार्डन में ऐसे खुला घूम रहा है। उसके बाद ही माफिया बॉस का हेड बॉडीगार्ड जोंको को बुलाता है और कहने लगता है, तुम्हें किसने परमिशन दिया यहाँ पर गार्डनिंग करने का। तो जोंको कहने लगता है, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए, वैसे भी तुम लोगों ने मुझे बंद कर रखा था और मैं बंद कर ऐसे ही नहीं रह सकता। एक ही रूम में मुझे रह रहकर दम घुट रहा था, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने गार्डनर से पूछ लिया है कि क्या कैसे करना है और मैं अभी से गार्डनिंग करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें इस सब से प्रॉब्लम है तो मेरे लिए प्लीज़ एक स्केच बुक, कुछ स्केच पेन्स, पेंसिल, पेन और डायरी ले आओ और मैं यहाँ पर नहीं रुकूँगा। मैं चुपचाप अपने रूम में बैठूँगा और बस ड्राइंग करूँगा और कुछ लिखूँगा, क्योंकि तुमने तो मेरा फ़ोन ले लिया है, तो मैं दिन भर करूँ क्या यहाँ पर इस बड़े से घर में। और उसके बाद भी यहाँ पर कोई लाइब्रेरी भी शायद नहीं है, तुम लोग वैसे भी माफिया वाले कहाँ कुछ पढ़ते होगे, इसीलिए तुम्हारे पास तो लाइब्रेरी ही नहीं होगा। और मैं यहाँ पर अकेले अकेले बोर होना नहीं चाहता, यहाँ पर तो मैं नेटफ्लिक्स भी नहीं देख सकता। इतना कहता ही है कि तभी माफिया बॉस पीछे से आ जाता है और कहने लगता है, क्या मेरे घर को तुमने होटल समझ रखा है और क्या ये तुम्हारा वेकेशन चल रहा है, क्या ये तुम्हारा वेकेशन हाउस है, तुम इतना ऑर्डर कैसे दे सकते हो। उसके बाद ही जोंको कहने लगता है, देखो जब तक मैं यहाँ से जाता नहीं मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ और गेस्ट को तो अच्छे से वेलकम करना चाहिए और उनकी सारी ऑर्डर्स को फुलफिल करना चाहिए, इस हिसाब से तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। उसके बाद ही माफिया बॉस थोड़ा सा चुप हो जाता है और सोचने लगता है, आज तक मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जो किडनैप होने के बाद भी इतना चिल रह सकता है। इसके बाद ही माफिया बॉस कहने लगता है, ठीक है ये जो भी कह रहा है इसके लिए ले आओ। जोंको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जाते जाते माफिया बॉस को हाई फाई करके चला जाता है। माफिया बॉस समझ नहीं पाता कि ये क्या लड़का है। उसके बाद ही जोंको को जब सारा का सारा सामान मिल जाता है, जोंको बैठकर आराम से ड्राइंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद माफिया बॉस उसके पास से गुजर रहा होता है तो वो कहने लगता है, तुमने शायद हमारे लाइब्रेरी के बारे में भी कुछ कहा था। तो जोंको कहने लगता है, हाँ तुम्हारे पास लाइब्रेरी नहीं होगा यही कहा था। इसके बाद ही माफिया बॉस कहने लगता है, हमारे पास लाइब्रेरी भी है और तुमने ऐसा बड़ा लाइब्रेरी देखा भी नहीं होगा, तुम यहाँ से 6th फ्लोर पर जा सकते हो और 6th फ्लोर पर तुम्हें लाइब्रेरी मिल जाएगा। उसके बाद ही जोंको खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या यहाँ पर सचमुच एक लाइब्रेरी है। तो माफिया बॉस कहने लगता है, हाँ यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है और वो 6th फ्लोर पर है, तुम्हें जो भी बुक्स चाहिए तुम वहाँ से ले सकते हो और पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ जब भी बुक्स लाओगे तो तुम्हें मेरे हेड बॉडीगार्ड की परमिशन लगेगी, क्योंकि उसके बिना परमिशन के तुम एक भी बुक वहाँ से नहीं ला सकते। तुम्हें जब भी बुक लाना होगा तुम मेरे हेड बॉडीगार्ड से परमिशन लोगे, उस बुक के बारे में लाओगे, पढ़ोगे, फिर वहाँ पर लेकर रख दोगे। ये सब सुनने के बाद जोंकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। जोंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और माफिया बॉस से अभी वो थोड़ा सा भी नहीं डरता। उसे पता चल गया होता है कि माफिया बॉस अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, वो बाहर से जितना ही रफ लगता हो लेकिन अंदर से उसके पास भी एक दिल है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर एक बहुत सुंदर बुक लेकर आ जाता है और लाकर वो बुक पढ़ने लगता है। माफिया बॉस भी उसे थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगता है और जाते हुए उसे हमेशा ही देखता रहता है। एक रात जोंको को बुक पढ़ते पढ़ते बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी होती है, आधी रात में उसे बहुत ज़्यादा भूख लगता है, इसीलिए वो किचन में जाता है और देखता है खाने का कुछ है या नहीं, उसे किचन में कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो खुद के लिए खाना बनाने की कोशिश करने लगता है। इतने में ही जोंको का ध्यान भटक जाता है और जोंको के नाइट ड्रेस का लेस आग में लग जाता है और आग पकड़ लेता है। जोंको बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर अपने नाइट ड्रेस निकाल कर फेंक देता है। उतने में ही स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो जाता है और पानी बरसने लगता है और इतने में ही वहाँ पर ताहियुन यानी कि माफिया बॉस आ जाता है और कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे किचन को पूरा का पूरा गीला कर दिया, क्या तुम मेरे किचन को जलाना चाहते थे या फिर मेरे पूरे घर को जलाना चाहते थे, यही तुम्हारा प्लान था क्या। इसके बाद ही जोंको कुछ नहीं कह पाता और चुप हो जाता है। ताहियुन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्या कर रहे थे, नीचे उतरो तुम, उसे क्यों पकड़कर बैठे हुए हो, जबकि जोंको स्प्रिंकलर सिस्टम को पकड़ने के लिए किचन के डेस्क पर चढ़ गया होता है और स्प्रिंकलर सिस्टम को अपने हाथों से बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। ताहिन की बातें सुनते ही जोंकुक नीचे उतरता है और अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन जोंकुक पूरा का पूरा भीग चुका होता है और सिर्फ अपना पैंट पहना रहता है, जबकि उसका पूरा बदन गीला हो चुका होता है और वो शर्टलेस होता है। और वो सब देखकर ताहिन खुद को कंट्रोल
कंट्रोल कर नहीं पाता, वो जोंगकुक की ओर बढ़ता ही है कि जोंगकुक अपने रूम में एंटर कर जाता है और ताहुन का हेड बॉडीगार्ड आ जाता है और कहने लगता है बॉस यहाँ पर क्या हुआ है। तो ताहुन कहने लगता है कुछ नहीं, बस यहाँ पर हादसा होते होते रुक गया है, तुम ये सब साफ करने के लिए कहो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर ताहुन अपने रूम में चला जाता है। ताहुन रूम में जाते ही ये सोचने लगता है कि ये मुझे क्या हो गया था, क्या मैं सचमुच जोंगकुक के पीछे जा रहा था। और ये सब सोचते सोचते ताहुन सो जाता है। अगले दिन ताहुन जल्दी उठकर अपने काम में चला जाता है। जैसे ही ताहुन काम से लौट रहा होता है तो तभी बारिश होने लगती है और जोंगकुक तब भी गार्डन में बैठकर गार्डनिंग कर रहा होता है। ताहुन अपने कार से उतरते ही देखता है कि जोंगकुक बारिश में भीग कर गार्डनिंग कर रहा है। तो ताहुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है ये लड़का पागल है क्या, ये क्या बारिश में भीग कर भी गार्डनिंग कर रहा है। ताहुन अपने हेड बॉडीगार्ड के हाथ से अम्ब्रेला लेता है और जोंगकुक के पास पहुँच जाता है और चिल्लाकर कहने लगता है तुम पागल हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश हो रहा है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और है, क्या तुमने कभी भी बारिश में भीगने का नहीं सोचा। इसके बाद ही ताहुन कहने लगता है ये सब बकवास प्लान है और ये सब मैं नहीं सोचता। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है तो फिर तुम अंदर जा सकते हो, मैं यहाँ पर और भी थोड़ी देर तक भीगने वाला हूँ। इसके बाद ही ताहुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जोंगकुक का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाता है। जैसे ही वो लोग डोर के पास पहुँचते हैं जोंगकुक का पैर पूरा का पूरा कीचड़ में गंदा हो चुका होता है और ताहुन को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, वो नहीं चाहता कि उसका घर गंदा हो जाए। तो इसीलिए ही वो जोंगकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है और उठाकर घर के अंदर ले जाता है। ये सब देखकर सारे मेड्स और गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ताहुन ऐसे कभी भी बिहेव नहीं करता। उसके बाद ही वो जोंगकुक को उठाकर उसके रूम में ले जाता है और रूम में ले जाकर वॉशरूम में खड़ा कर देता है और कहने लगता है अपने पैरों को अच्छे से साफ कर दो, मेरा घर गंदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है क्या ये सब तुम सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें तुम्हारी घर की चिंता थी और तुम अपना घर गंदा नहीं करना चाहते थे। इसके बाद ताहुन कहने लगता है तुम्हें क्या लगा मैं किस लिए कर रहा हूँ, मुझे अपना घर गंदा नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ये सब कर रहा था। इसके बाद जोंगकुक कहने लगता है मुझे तो लगता है तुम मुझे लाइक करने लगे हो, है ना ताहुन माफिया बॉस। और उसके बाद ही ताहुन कहने लगता है चुपचाप अपना पैर को साफ करो, ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर ताहुन वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते एक महीना गुजर जाता है और आखिरकार वो टाइम आ जाता है जब जोंगकुक को वो लोग छोड़ने वाले थे। उस दिन जोंगकुक नहीं चाहता था कि वो ताहुन से दूर जाए, ना ही ताहुन चाहता था कि वो जोंगकुक को छोड़े क्योंकि दोनों को ही दोनों की आदत हो चुकी थी और जोंगकुक के क्यूटनेस और उसके बिहेवियर से ताहुन बहुत ही ज़्यादा अटैच हो चुका था और जोंगकुक को वो छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे कि उनका काम ख़त्म ही हो चुका था और ताहुन ने पहले से कह दिया था कि जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाएगा वो जोंगकुक को छोड़ देंगे और ताहुन अपने बातों का बहुत ज़्यादा पक्का था, वो जो कहता था वही करता था, इसीलिए उसे मजबूरन जोंगकुक को वहाँ से छोड़ना पड़ा और जोंगकुक भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन जोंगकुक को पता था कि उसका जगह वहाँ पर नहीं है और उसे ये भी नहीं पता था कि ताहुन उसे लाइक करता भी है या नहीं, इसीलिए वो भी वहाँ से खुशी खुशी जाने लगता है। दोनों ही बिछड़ते पर थोड़ा सा तो दुख करते हैं लेकिन उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। 3 महीने तक कोई भी किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं होता। 3 महीने बाद ऐसे ही एक दिन ताहुन अपने लाइब्रेरी में जाता है और जाकर एक बुक को खोल कर देखने लगता है। तभी बुक में से कुछ गिर जाता है और वो नीचे से वो उसे उठाता है और देखने लगता है कि वो एक पेपर था जिसमें जोंगकुक ने कुछ लिखा था। उसमें जोंगकुक ने लिखा था तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनते जा रहे हो, मुझे नहीं पता कि ये सब कब शुरू हुआ पर मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। इसके बाद ही ताहुन और भी बुक्स ढूंढने लगता है जो जोंगकुक ने शायद पढ़ी होगी और उसके अंदर ये सब लिखा होगा। लेकिन ताहुन को पता नहीं होता कि जोंगकुक ने कौन कौन सी बुक ली होती है, इसीलिए वो तुरंत अपने हेड बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहने लगता है क्या तुम्हें याद है कि जोंगकुक ने कौन कौन सी बुक ली थी पढ़ने के लिए। तो उसके हेड बॉडीगार्ड देखकर चूज कर निकाल देता है और कहने लगता है सर यही है वो 10 बुक्स जो जोंगकुक ने लिया था पढ़ने के लिए यहाँ पर रहते हुए। उसके बाद ही तुरंत ताहुन सारे बुक्स में से चीट ढूंढने लग जाता है। उसे 10 बुक्स में से 10 चीट्स मिलता है जो जोंगकुक ने लिखा होता है। पहले चीट में उसने लिखा होता है आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरे लिए ये सब किया और मेरे लिए सारा का सारा स्केच बुक्स और मटेरियल्स लेकर आया, जो भी मैंने कहा वो उतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है। उसके बाद ही ताहुन दूसरा चीट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है आज मैंने घर जला ही दिया था लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुझे उसे देख कर बहुत ज़्यादा जलन होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने फीलिंग्स को छुपाने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकता
क्योंकि मुझे नहीं पता कि ताहिन मुझे लाइक करता है या नहीं। फिर ताहिन तीसरा चिट निकालता है जिसमें जोंगकुक ने लिखा होता है, मुझे शायद घर जर ले जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन रुका तो शायद मैं कभी भी ताहिन से दूर नहीं रह पाऊँगा। मैं शायद ताहिन को इतना ज़्यादा चाहने लगूँगा जैसे कि किसी ने किसी को ना चाहा हो, और इतना चाहने के बाद मैं ताहिन से दूर जाकर खुद को रोक नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अपने घर चला जाऊँ। ये एक महीना कब ख़त्म होगा? ऐसे ही करते करते सारे के सारे चीट्स ताहिन पढ़ने लगता है, और पढ़कर ताहिन को समझ में आ जाता है कि जोंगकुक उसे कितना ज़्यादा चाहता है। ताहिन उसके फीलिंग्स को सिर्फ दबा रहा होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जोंगकुक उसे लाइक करता भी है या नहीं। लेकिन अब जब उसे पता चल चुका है कि जोंगकुक उसे बहुत ज़्यादा चाहता है, वो खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत अपने कार कीज निकालता है और जाकर जोंगकुक के घर के सामने खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगता है। जोंगकुक देखने आता है कि कौन है जो इतना ज़ोर ज़ोर से हॉर्न लगा रहा है। जोंगकुक अपने बालकनी में खड़ा होकर देखता है कि ये ताहिन है जो इतना ज़ोरों से हॉर्न लगा रहा है। तो उसके बाद ही जोंगकुक दौड़कर ताहिन के पास आता है और आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और इतना ज़ोर से हॉर्न बजाने की रीज़न क्या है? ताहिन कहने लगता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, क्या नहीं बताया तुम्हें? ताहिन कहने लगता है, तुमने मुझे क्यों कहा नहीं? इसके बाद जोंगकुक फिर से कहने लगता है, क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जोंगकुक को अपने सामने पाकर और जोंगकुक का क्यूट फेस देखकर ताहिन तब तक अपना कंट्रोल खो चुका था, और कुछ कहे बगैर ताहिन जोंगकुक को अपने पास खींच कर ले आता है और उसे हार्डली किस करने लगता है। दोनों बहुत देर तक किस करने लगते हैं और फिर जोंगकुक ताहिन को पुश करते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें वो सब मिल गया जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था? तो ताहिन कहने लगता है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम खुद से नहीं कह सकते थे मुझे ये सब? अगर मैं कभी भी वो सब बुक्स नहीं पढ़ता और अगर कभी भी वो सब मुझे ना मिलता तो? उसके बाद जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारा वेट करता रहता जब तक तुम उसे पढ़ नहीं लगते और मेरे पास आ नहीं जाते। मुझे पता था कभी ना कभी तुम वो बुक्स ज़रूर पढ़ोगे और तुम्हें वो सब ज़रूर मिलेगा। ताहिन कहने लगता है, अगर लेट हो जाता तो? तो जोंगकुक कहता है, जितना भी लेट होता मैं तुम्हारे लिए वेट करने के लिए रेडी था। उसके बाद ही माफिया बॉस का दिल पिघल जाता है और माफिया बॉस बहुत ज़ोरों से जोंगकुक को हग करने लगता है। उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, मैं किम ताहिन, ये तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें और कभी भी मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा और आज के बाद तुम मेरे पास ही रहना। इतना कहने के बाद दोनों फिर से किस करने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी एक नए एक्साइटिंग टाइकू कैफ़े वन शॉट के साथ दोबारा कल। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।